Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बनाई गई मानव श्रृंखला। दरअसल मेरठ के कमिश्नरी पार्क पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। इनका कहना है कि दुनिया में इतने सारे देश होने के बावजूद एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि यहाँ हिंदुओं की एक बड़ी आबादी है। पूरे 110 करोड़ में यहाँ हिंदुओं की संख्या है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ हिंदू रहते हैं, फिर भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा रहा है। इसलिए इन्होंने मानव श्रृंखला बनाई और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं से इस मुहिम के साथ जुड़ने की अपील की। सुनिए राष्ट्रीय हिंदू परिषद से शीतल गहलोत इस दौरान मीडिया से क्या बोली। देखिए, हाँ, हमारा जो ये राष्ट्रीय हिंदू संगठन है वो भारत के 50 जिलों में 20 फरवरी से अनवरत रूप से संगठन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मांग कर रहा है। सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जबकि जो 195 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इसके अलावा 240 देश हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश हैं पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि भारत में हिंदुओं की एक बड़ी आबादी 110 करोड़ लोग हैं। तो ये हम सभी का अधिकार भी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और दुनिया में एक अकेला भारत देश ऐसा है जिसमें सनातनी लोग रहते हैं और जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। मेरा नाम शीतल गहलोत है और मैं राष्ट्रीय हिंदू नहीं, आज ज्ञापन नहीं है, आज मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है जिससे लोगों में जन जागृति हो और प्रत्येक हिंदू हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फास्ट बाइट टीवी। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।